संघ प्रदेश के मेरे भाइयों और बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार को मजबूत बनाने के लिए 125 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। इस पैकेज को सुनने के बाद नीतीश जी एक सप्ताह तक बेहोश थे, अब कुछ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले जो किसानों की क्षति हुई थी चक्रवात में, ओलावृष्टि में, भीषण वर्षा में पैसा भेजा था, क्षतिपूर्ति किसानों को मिला क्या? बिहार में मिला? नहीं मिला। मिट्टी जांच के लिए पैसा भेजा था, जांच गांव में हो रहा है मिट्टी का? तो ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है, इसको बदलना है ना। तो अम की बार भाजपा सरकार, अम की बार भारत माता की। हमारे बीच में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं, और आप सब जानते हैं कि अभी तक यहाँ पर विक्रमशिला पुल पर रामविलास जी अभी भी जाम में 2-2.5 घंटे से फंसे हुए हैं। हमारे बीच में वो आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से अनुरोध करता हूं, वो आकर आपको संबोधित करें। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान एनडीए के नेता श्री जीतन राम मांझी जी, सुशील कुमार मोदी जी, से सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में आए हुए भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, मित्रों, जिस तरह से आपका उत्साह दिख रहा है, इसको देखकर अब निश्चित रूप से यह बात कही जा सकती है कि आप सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। परिवर्तन बिहार की जरूरत भी है। हमने पहले भी कहा था, आप परिवर्तन करेंगे, मौका देंगे, किसानों की किसानी और जवानों की जवानी बचाने का काम हम करेंगे। हमने इसकी शुरुआत अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर दी है। भागलपुर के लोगों के लिए एक विशेष खुशखबरी स्पेशल पैकेज के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। हम इसके पहले जब भागलपुर आते थे, मीडिया के बंधु से लेकर तमाम राजनीतिक दल के लोग याद दिलाते थे, कहते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय कभी दुनिया के लोगों का केंद्र हुआ करता था, फिर से भागलपुर को उस स्थिति में लौटाने का काम भारत सरकार को करना चाहिए। मित्रों, आप सब लोगों को मालूम है जो स्पेशल पैकेज की बात की गई है, उस पैकेज में भागलपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बात भारत सरकार ने स्वीकार की है। मित्रों, भागलपुर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए यह बहुत ही गौरव की बात है। हमने शुरुआत कर दी है नौजवानों के लिए, हमने शुरुआत कर दी है किसानों के लिए, लेकिन एक तरफ जहां हम किसानों नौजवानों की बात करते हैं और आपके लिए बहुत कुछ दिल्ली से रहकर हमारी सरकार काम भी करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर जो यहाँ कथित महागठबंधन के लोग हैं, फिर से आपको कैसे बरगलाया जाए, कैसे झांसा दिया जाए, इस बात की कोशिश में लगे हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, उनकी बातों में आने का काम नहीं करना है। कहने के लिए उन्होंने भी कहा था हम सरकार में आएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे, लेकिन क्या हुआ, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, किसानों के खेत में पानी नहीं मिला। आज भी उनकी ओर से वही बात की जाती है जो बात 10 साल पहले करते थे, उन्हीं बातों को दोहराने का काम आज भी सत्ता में बिहार में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी ओर से हो रहा है।
इसलिए हम आपसे कहना चाहते कि उनकी बातों में मत आइए। आप सब लोग मिलकर जिस तरह से आपने परिवर्तन का मन बनाया है, लोकसभा के चुनाव में जो परिणाम आपने दिया है, विधानसभा के चुनाव में उससे बेहतर परिणाम दीजिए और बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने का जो संकल्प है हमारे प्रधानमंत्री जी का, उस संकल्प को पूरा करने का काम कीजिए। आप सब लोग, चाहे जिस जात के लोग हों, जिस धर्म के लोग हों, सबके लिए एनडीए ही एक रास्ता है, एक विकल्प है। उनकी ओर से जो बातें की जाती है, कभी उनकी ओर से अभी गांधी मैदान में रैली हुई, उनको बताना चाहिए था 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया, 10 वर्षों में क्या किया, उसके पहले 15 वर्षों तक जिनकी सरकार चली बिहार में क्या किया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। अनर्गल बातों में आपको उलझाने का प्रयास है। 25 साल कोई कम समय नहीं होता, और 25 साल ही क्यों, जिन लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया है बिहार में, 25 साल पहले भी उनका शासन था, 15 वर्ष बड़े भाई का शासन, 10 वर्षों से नीतीश कुमार जी का शासन, जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, वैसे लोगों का गठबंधन एक और जिन लोगों ने संकल्प लिया है बिहार को बनाने का, वैसे लोगों का गठबंधन एक और एनडीए के रूप में। हम आप सब लोगों से यही आग्रह और अपील करते हैं, विशेष रूप से नौजवानों से कहना चाहते हैं कि नौजवानों, उनकी बातों में आने का काम नहीं करना है। समीकरण के आधार पर आपके वोट को हासिल करने की उनकी कोशिश है, उनकी बातों में आने का काम नहीं करना है। आइए आप सब लोग मिलकर अपने भविष्य को संवारने के लिए, किसानों की किसानी और नौजवानों की जवानी को बचाने के लिए, बिहार को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए सब लोग मिलकर एनडीए के नेतृत्व में आगे आने वाले दिनों में बिहार में सरकार बनाइए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत कीजिए, बिहार भी देश के अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पे आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच में हम सबके नेता, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता आदरणीय नंद किशोर यादव जी से अनुरोध करेंगे, वो आपको संबोधित करें। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और भागलपुर की इस धरती पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी जानदार और शानदार भाइयों और बहनों, आज की इस रैली में इतनी बड़ी संख्या में भागलपुर के लोगों का आना इस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ के लोगों ने परिवर्तन के बारे में संकल्प कर लिया है, मन बना लिया है। और मुझे मालूम है आप जब संकल्प कर लीजिएगा तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है विधानसभा के चुनाव में लालू जी और नीतीश जी को चारों खाने चित करने का काम आप करेंगे, यहाँ की जनता करेगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। करिएगा ना, अरे धोबिया पाट मारिएगा ना, चारों खाने चित करिएगा ना। तो घबरा रहे लालू जी, लालू जी कह रहे हैं कि भैंस पालने वाला एनडीए के साथ नहीं जाएगा। लालू जी गलतफहमी के शिकार मत होइए, हम अगर भैंस पालते हैं तो हमें दूध बेचना पड़ता है, और दूध बेचने के लिए हम जाएंगे चाय वाले के साथ। भैंस पालने वाला चाय वाले के साथ जाएगा, नरेंद्र मोदी के साथ जाएगा, लालू जी आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश जी घबरा रहे हैं, और घबराहट में क्या कर रहे हैं, नाखून कटा लो बाल कटा लो, नाखून कटा लो बाल कटा लो। अरे भाई, नाखून बाल तो हम तब कटाते हैं जो हमारे घर का कोई आदमी ऊपर चला जाता है। मुझे लगता है आरजेडी या जदयू का अंतिम संस्कार करने के लिए ये नाखून और बाल कटाने का काम ये लोग करने वाले हैं। मैं तो एक ही आग्रह करना चाहता हूं आपसे, एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, तेजी से अगर बिहार को विकास के रास्ते पे आगे ले जाना है तो नरेंद्र मोदी से लड़ने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सरकार बिहार में बनाने के लिए, एनडीए की सरकार बनाने के लिए आप हमारा साथ दीजिए, एनडीए का साथ दीजिए, यही आपसे आग्रह करने आया हूं। करिएगा ना, अरे साथ दीजिएगा ना, एनडीए की सरकार बनाइएगा ना, तो एक बार ताली बजा के बता दो दीजिए ना भाई। इतने ताली की आवाज से लालू जी, नीतीश जी और सोनिया जी के दिल में दुखदुखी पैदा हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं भागलपुर के बाजुओं में इतनी ताकत है कि ताली की गड़गड़ाहट से हेलीकॉप्टर से आ रहे नरेंद्र मोदी के कानों में आवाज पहुंचाने का काम भी आप कर सकते हैं, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से। बने भाइयों, आपने परिवर्तन के साथ चलने का मन बनाया है,
विकास के साथ जुड़ने का संकल्प लिया है। मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां हमारे बीच में वीना देवी जी लोजपा की नेता हैं, मैं उनसे कहूंगा जनता से उनका जोरदार अभिवादन करें। वीना जी एक बार खड़ी हो जाए। और यहां पर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, मैं कहूंगा आकर भागलपुर की जनता को प्रणाम करें। भाई हमनी के आज के सभा में एजा उपस्थित बानी, हमार टाइम तनी लैप्स कर गेल कहे कि आए में अपना ना भीड़ से नवाज जी जुटा दे बाड़े, चौबे दी जुटा दे बाड़े प्रधानमंत्री के देखे खातिर कि हमनी के दिक्कत होता। लेकिन इतने भर कहे के चाहें कि भाई बिहार में परिवर्तन के आसार बढ़िया लागता और लोग के बुझाता कि भाई इस बिहार में परिवर्तन हो। हमनी के मन बना लेवे के बा कि ए बार बिहार के धरती पर हमनी के सरकार बदले के बा। देश जब बिजली चलेला दिल्ली से 440 वोल्ट के तार जो ऊपर से पार करेला, लेकिन यदि राज्य के ट्रांसफार्मर जलल रही तो बिजली उजली ना आई। बिहार के ट्रांसफार्मर जल गेल बा, ऐसे बिहार के ट्रांसफार्मर के बदले के बा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार बनावे के बा। यही से हमनी सभी जा जुटल बानी। समय के अभाव बा, कभी आके बतिया ले हम। रउआ लोगन के बहुत बहुत आभार। ठीक बा। अब हम सब के बीच में हम सब के नेता, बिहार के लोगों की दिल की धड़कन आदरणीय सुशील कुमार मोदी, जो भागलपुर के पूर्व सांसद भी रहे, वो आए संबोधित करें। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मंच पर बैठे तमाम एनडीए गठबंधन के नेतागण और लाखों की संख्या में इस मैदान में उपस्थित 10 जिलों के मेरे बहन और भाइयों, मित्रों, अभी तक नरेंद्र मोदी जी की 4 रैली हुई है, ये चौथी रैली है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं भागलपुर की रैली ने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया है। सबसे ज्यादा संख्या में यहां पर लोग उपस्थित हुए हैं। और मित्रों, ये केवल 10 जिले की रैली है और लालू नीतीश सोनिया ने मिलकर पूरे बिहार की रैली गांधी मैदान में आयोजित किया, लेकिन भागलपुर की रैली का आधा भी इकट्ठा नहीं कर पाए। और एक रैली में हम लोगों ने लालू सोनिया नीतीश की रैली से दोगुनी संख्या में यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं भागलपुर का एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगा। अगर पटना के कारण मैं नेता विरोधी दल बना तो भागलपुर में आपने सांसद बनाया और भागलपुर के कारण मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री बना, और इसलिए मैं कभी भागलपुर के एहसान को भूल नहीं पाऊंगा। मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में बाहर है, बिहार में बाहर है। मेरे मित्रों, कौन कहता है कि बिहार में बाहर है? शिक्षकों पर होता लाठी से प्रहार है। हाँ भैया, बिहार में बाहर है। धान की खरीद का पैसा उधार है। हाँ भैया, बिहार में बाहर है। कल तक के जानी दुश्मन अब सत्ता के यार हैं। हाँ भैया, बिहार में बाहर है। दवा के बिना मरता बिहार है। हाँ भैया, बिहार में बाहर है। मेरे मित्रों, बदलिए सरकार, बदलिए बिहार। बिहार को बदलना है तो सरकार को बदलिए। और एक मौका दीजिए, इस बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, अब की बार भाजपा सरकार। आइए मेरे साथ नारा लगाइए, अब की बार सरकार, अब की बार भाजपा सरकार। मेरे बहनों और भाइयों, तभी बढ़ेगा बिहार जब होगी भाजपा गठबंधन की सरकार। आपने अगर 45 साल कांग्रेस को मौका दिया, अगर 15 साल लालू राबड़ी को मौका दिया और 10 साल आपने नीतीश कुमार को मौका दिया, तो आज रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी बिहार के लोगों से अपील करती है कि एक 5 साल बिहार के एनडीए गठबंधन को भी बिहार में सेवा करने का मौका दीजिए। मेरे बहनों और भाइयों, और 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज मिला, अगर हिम्मत है नीतीश कुमार में, तो आपने अगर 5 करोड़ कोसी के दौरान जो पैसा मिला था, उस पैसा को आपने वापस कर दिया। अगर हिम्मत है तो 1,25,000 करोड़ के इस पैकेज को वापस करके दिखाइए। मेरे बहनों और भाइयों, इस पैकेज की रक्षा लालू नीतीश नहीं कर पाएंगे। 1,25,000 करोड़ का जो पैकेज मिला,
इसकी रखवाली करने के लिए भाजपा गठबंधन की सरकार बिहार में चाहिए, और नहीं तो कोई दूध की रखवाली कोई। के बीच में जो अगल बगल के लोग हैं उनसे अनुरोध है कि वो जो लोग चढ़े हैं उनको हाथ जोड़कर विनती है कि उनको उतार दें। अब हमारे बीच में हम सब के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री महादलित समाज में पैदा होकर पूरे बिहार के नेता बने आदरणीय जीतन राम मांझी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। श्री जीतन राम मांझी जी, ये परिवर्तन रैली की जो महासभा है उसकी अध्यक्षता करें अध्यक्ष जी। मंच पर उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण, सांसदगण और एनडीए के सभी शीर्षस्थ नेतागण, हमारे बगल वाले डैस पर बैठे हुए विधायकगण, पूर्व विधायकगण, और हमारे सामने है लाखों लाख की संख्या में उपस्थित भाइयों बहनों और मीडिया के साथियों। हम लोगों के नेता नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। हम सिर्फ एक मिनट में आपको अपनी बात कहना चाहते हैं कि आज ये परिवर्तन रैली का चौथा स्टेप है। मुजफ्फरपुर, गया, सहरसा के बाद आज भागलपुर की पावन नगरी में आज रैली आयोजित है, और एक से एक भागल मुजफ्फरपुर से चले तो दुगनी बढ़ती गई उसकी संख्या। और आज सही है कि भागलपुर में तो आप लोगों ने सभी रैलियों को मात कर दिया है, सभी रैलियों को मात कर दिया है। और हम भी चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो। परिवर्तन क्यों हो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने बिहार को 125,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया है। हम कहना चाहते हैं और भी 40,000 करोड़ रुपया का है, 1,65,000 करोड़ रुपया का पैकेज मिला है। हम कहना चाहते हैं कि बिहार में यदि नीतीश कुमार की सरकार रही, हम समझते हैं ये सब पैसा का दुरुपयोग होगा। इसीलिए केंद्र में भाजपा की सरकार है तो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार में भी भाजपा की सरकार की आवश्यकता है। इसीलिए हम आप सब से अनुरोध करना चाहते हैं, परिवर्तन आवश्यक है। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो जो पैसा आज केंद्र से आता रहा है वो पैसा आज हजम कर रहे हैं लोग, अपना मुख साफ करने में झूठ मूठ के खर्चा करते हैं, और गरीबों के गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, दलितों के गरीबी दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया, शिक्षा स्तर में विकास के लिए कोई काम नहीं किया। इसी तरह से सारा पैसा बर्बाद कर देंगे। इसीलिए हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि आगे जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाला है वहां पर एनडीए के सभी साथियों को, जिसमें कमल छाप, बंगला छाप, टेलीफोन छाप और पंखा छाप, यही चार छाप हम लोगों का है, जहां ये छाप मिले आप बटन दबा करके एनडीए के उम्मीदवारों को जिताइए। हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी अपने अहंकार में डूबे हुए हैं, अपने अहंकार के सामने किसी को नहीं रखते समझते, और बिहार के साथ उन्होंने छल किया है।
2010 में बिहार की जनता ने भाजपा के साथ सरकार बनाने का इनको अवसर दिया था। कुछ दिन चला लेकिन इनके दिमाग में आ गया कि भारत के प्रधानमंत्री हम बनेंगे और इसके लिए भाजपा के साथ संबंध इन्होंने तोड़ दिया। और जब से भाजपा के साथ संबंध टूटा है तब से बिहार में आज जंगल राज आ गया है और वैसे लोगों के साथ आज उनका साठगांठ है जिनको वो कहा करते थे कि जंगल राज है, कहा करते थे कि लाठी में तेल पिलाओ और लाठी भंजाओं की सरकार है, लेकिन आज उसी के साथ मिल करके बिहार में जंगल राज लाने का वो प्रयास कर चुके हैं और आज हम आप देख रहे हैं। इसीलिए आपको सावधान करना चाहते हैं, खास करके गरीब तबके के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको इन्होंने तोड़ने का काम किया था। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करके हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और नीतीश कुमार ने हम अनुसूचित जाति को तोड़ करके काम करने की बात की थी। इसीलिए हम अपने मंत्रिमंडल काल में शेड्यूल कास्ट को सबों को एक करके दिखला दिया है और इसी की आवश्यकता है। हम शेड्यूल कास्ट के लोग एक होकर के आगे बढ़ें तभी बिहार का कल्याण हो सकता है। इसलिए अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। भाइयों, हमारे बीच में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के मंत्री रामविलास पासवान जी आ गए हैं, उनसे अनुरोध है कि वो आकर आपको संबोधित करें। आदरणीय रामविलास पासवान जी, सब लोगों का नाम ले। आदरणीय अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित अपार जन समूह में आए हुए माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज प्रधानमंत्री जी का ये चौथी सभा है। पहली सभा मुजफ्फरपुर में हुई थी, दूसरी सभा गया में हुई थी, तीसरी सभा सहरसा में हुई और चौथी सभा जो है आज यहाँ ऐतिहासिक भागलपुर के मैदान में हो रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से नीतीश कुमार जी को, लालू यादव जी को, सोनिया जी को बतलाना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने पूरी ताकत लगा करके परसों 30 तारीख को महागठबंधन का जो रैली किया था पटना में, उससे ये रैली जो है 3 गुना अधिक बड़ी है और ऐसा ऐसा रैली 4 बार प्रधानमंत्री का हो चुका है। साथियों, चुनाव का बिगुल बज चुका है, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज, राष्ट्रीय समता पार्टी, ए भाई, ए पुलिस वाले लोग सब, आप लोग डंडा उंडा मत घुमाइए ना, डंडा उंडा घुमाए, आप लोग भी शांत रहो, पुलिस भी डंडा नहीं घुमावे और आप लोग भी शांत रहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे तब खूब नारा लगाइएगा, भी शांत रहिए। तो भाइयों, ये जो रैली हुई थी परसों, ये बिल्कुल फ्लॉप रैली हुई। और आगे अब हम लोगों के बीच में हम सब के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे
वंदे भारत माता की, भारत माता की। भाई और बहनों, जो सामने लोग खड़े हैं उनसे अनुरोध है वो खुद की सुरक्षा करें, बैरिकेडिंग को बचा के रखें। हम जानते हैं आप नरेंद्र भाई से और रामविलास जी आपके बीच में अपनी बात को पूरी करेंगे। आदरणीय रामविलास, देश के प्रधानमंत्री, हम लोगों के प्रिय नेता, गरीबों शोषितों के रहनुमा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर यहाँ उपस्थित सभी साथीगण, माताओं बहनों और भाइयों, ये जो यहाँ जन समुद्र उमड़ा हुआ है, इसके माध्यम से नीतीश जी, लालू जी, सोनिया जी, आप देख लो, आपने 30 तारीख को सारी ताकत लगा दिया, सारे अफसर को लगा दिया और उसके बावजूद भी जो है जन समुद्र उमड़ा हुआ है, इसका आधा भी आपके गांधी मैदान में नहीं आया। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो क्रांति चल रही है, ये चौथी सभा है और इन चारों सभा को देख लीजिएगा तो कम से कम 15 लाख लोगों की उपस्थिति चारों सभा को मिलाकर के हुई है। साथियों, ये चुनाव आने वाला है, एनडीए को आपने दिल्ली में बैठाने का काम किया था नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा किया। पिछली बार नरेंद्र मोदी जी आए थे, इस बिहार को 1,125,00,000 करोड़ जो है इन्होंने देने का काम किया, 1,25,000 करोड़। और जब इन्होंने दिया तो सबके पेट में दर्द होने लगा। नीतीश कुमार ने दूसरे तीसरे दिन कहा कि हम 2,67,000 करोड़ रुपया का पैकेज देते हैं। नीतीश कुमार जी, आपका बजट का भाषण मेरे पास हाथ में मौजूद है, आपका कुल आमदनी 70,000 करोड़ का है, 30,000 करोड़ सेंट्रल असिस्टेंस और दूसरे जगहों से मिलता है, कुल मिलाकर के 1,01,000 करोड़ का है, और आपका अपना राजस्व 70,000 करोड़ का है, और उस 70,000 करोड़ में जो है 59,000 करोड़ आपका जाता है नन प्लान में, जाता है बेटन भत्ता में जाता है, आपके पास में सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए सालाना बचते हैं। नीतीश कुमार जी, बताओ आप कैसे 2,67,000 करोड़ रुपया कहां से लाओगे? 10 साल में एक सुई का कारखाना नहीं लग पाया। प्रधानमंत्री जी, अभी हम आ रहे थे, ये जो नवगसिया से भागलपुर का पुल है एकदम जाम, 9 बजे हम वहां पहुंच गए, 3 घंटा तक वहां थे, गाड़ी को रोक दिया गया था, एसपी से हमारे ओएसटी ने बात किया, बहुत देर के बाद तब जाकर के रास्ता खुला। और ये विकास की बात करते हैं, कहीं ना रोड है, ना पुल है, ना पुलिया है, एक सुई का कारखाना नहीं लगा, गांव में विद्यालय नहीं बना, हर गांव में शराब का दुकान नीतीश कुमार ने खोलने का काम किया। आज बच्चों के हाथ में किताब नहीं है, लेकिन बच्चों के हाथ में जो है, बच्चों के हाथ में शराब का बोतल थमा दिया इन्होंने। दो है हमारे पास में, प्रधानमंत्री जी ने बताया था 2001 में जहां 95,000
कॉग्निजेबल ऑफेंस था, आज वहां बढ़ करके जो है एक लाख पंचानवे हजार करोड़ हो गया। अपहरण जो है 1689 था, आज 6570, 18 व्यक्ति का प्रतिदिन अपहरण हो रहा है। बलात्कार जो है 1127, और ये जब इनको कहा जाता है बीमारू राज, कहा जाता है कि कानून व्यवस्था नहीं है, इनको बड़ा बुरा लगता है। आज इस बिहार के ऊपर में 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, एक बच्चा जो माँ के पेट में है वो भी 7,000 रुपए का कर्जा है। इसलिए मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोग, हम विकास की बात करते हैं, हम नौजवानों के रोजगार की बात करते हैं, और ये जात की बात करते हैं। पिछले 25 साल से बिहार में लालू राबड़ी नीतीश की सरकार रही, बैकवर्ड क्लासेस की पिछड़ों की सरकार रही, और क्यों नहीं विकास हुआ पिछड़ों का, क्यों नहीं विकास हुआ अकलियतों का? यही भागलपुर है जहां हिंदू मुसलमान का दंगा लालू यादव और कांग्रेस के राज में होने का काम हुआ था। इसलिए साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों से हमारा आग्रह अपील है, ये लालू यादव न जात के नेता हैं, न जमात के नेता हैं। हमारे पास में भूपेंद्र यादव जी हैं, हमारे पास में रामकृपाल यादव जी हैं, हमारे पास में नंदकिशोर यादव जी हैं, नित्यानंद राय हैं, हुकुमदेव नारायण यादव हैं। लालू यादव जी, हमारा हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से राबड़ी देवी MLA का चुनाव लड़ी थी, हार गई। लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, रूडी दी यहाँ मौजूद हैं, वहाँ से हार गई। इनकी लड़की हार गई रामकृपाल यादव से, जहाँ यादव का गढ़ था। आप किसकी बात करते हो? इसलिए साथियों मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूँ कि जात धर्म मजहब को छोड़ो, एक गरीब घर का बेटा देश की गद्दी के ऊपर में बैठा है। आज यहाँ 90% नौजवान लोग हमारे मौजूद हैं, हर मीटिंग में नौजवान आते हैं। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जात पात धर्म मजहब सबको छोड़ करके आप आओ और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करो, और जिस तरीके से दिल्ली में अपनी सरकार बनाए हो उसी तरीके से बिहार में अपनी सरकार बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आप सब लोगों के तरफ से बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने बिहार के ऊपर में सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम किया है। जय हिंद। भाइयों नौजवानों, जो वहाँ खड़े हैं, नरेंद्र भाई से आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अंग के धरती पर उनका स्वागत करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि कम से कम वो बांस के ऊपर से उतर जाएं। आपसे अनुरोध है, नहीं तो गिर जाएंगे, बहुत घटना हो जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि वहाँ से आप उतर जाएं। जो छत पर भी चढ़ गए हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो नीचे उतर जाएं। भाइयों और बहनों, यहाँ विक्रमशिला की धरती पर, अंगराज कर्ण की धरती पर हम नरेंद्र भाई का स्वागत करते हैं, और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी से अनुरोध करते हैं कि वो नरेंद्र भाई का स्वागत करें। आदरणीय मंगल पांडे जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। हम सबके नेता भाई सुशील कुमार मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वो नरेंद्र भाई का स्वागत करें। हम सबके नेता, विपक्ष के नेता नंद किशोर यादव जी से अनुरोध करते हैं कि वो नरेंद्र भाई का स्वागत करें। और हम लोग रामविलास पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी स्वागत करेंगे, और हम सुशील जी, नंद किशोर जी, राधा मोहन जी, रामकृपाल जी, सब लोग स्वागत करेंगे। अब हम सुशील जी, नंद किशोर जी और मंगल जी से अनुरोध करेंगे कि विक्रमशिला का चित्र देकर विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बनाने वाले आदरणीय नरेंद्र भाई का स्वागत करें। संजीव जी, रूड़ी जी स्वागत करेंगे। हमें माननीय अश्वनी चौबे, बक्सर के सांसद, पूर्व मंत्री, यहाँ के विधायक रहे, से आग्रह करता हूँ
कि विश्वविख्यात मंजूषा आर्ट का स्मृति चिन्ह माननीय प्रधानमंत्री जी को सब प्रेम भेंट करेंगे। माननीय अश्वनी चौबे जी से आग्रह है कि स्मृति चिन्ह सब प्रेम माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। अब मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय शाहनवाज हुसैन जी से आग्रह है कि संत सद्गुरु महर्षि मेही जी का स्मृति चिन्ह उनकी तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। महर्षि मेही जी, परमहंस जी, जो महर्षि आश्रम जी से मिले तस्वीर, उनसे आग्रह है माननीय शाहनवाज जी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार करतल ध्वनियों से स्वागत करें भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब इंतजार की घड़ी समाप्त है। बिहार की धरती पर 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने वाले, इस विक्रमशिला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने वाले और स्मार्ट सिटी में भागलपुर को स्मार्ट सिटी देने वाले हमारे स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर का स्मार्ट लोग यहां जोरदार ताली से स्वागत करें। नरेंद्र भाई, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आकर इस रैली को संबोधित करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बुलाइए, भारत माता की। ये मन जो है इधर की तरफ लुढ़क रहा है, गिर जाएगा। आप नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, तुरंत नीचे आइए, एकदम जल्दी आइए, कोई गिर जाएगा, चोट लगेगी। और इसको पकड़ो भाई, इसको पकड़ लो जरा, नहीं नहीं इसके पोल पकड़ लो, सारे नीचे खड़े हैं वो पोल पकड़ लो, बांस को पकड़ लो, बांस को पकड़ लो, नीचे जो नीचे खड़े हैं बांस को पकड़ लें, इस तरफ दबाइए बांस को, इस तरफ दबाइए सब लोग जो नीचे खड़े हैं बांस के पास, नीचे आइए जल्दी भाई, ये गिरेगा, वो भी गिरेगा, नीचे आ जाइए भैया, ये बांस, ये गिर जाएगा पूरा पंडाल, आपको चोट आएगी, नीचे आओ भाई, नीचे आकर के हर कोई बांस को पकड़ ले ताकि बांस गिरे नहीं, नीचे आओ भाई, आपको सुनाई देता है चोट आएगी भैया, बहुत भागलपुर के नौजवान समझदार है, शाबाश, आ जाइए नीचे भैया, आप नीचे आइए भैया, चोट लगेगी आपको, नीचे आइए भैया, आप नीचे आइए। मैं आप लोगों के नीचे आने के बाद ही बोलना शुरू करूंगा। देखिए, हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, ये चुनाव तो आएंगे जाएंगे,
भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण और विशाल संख्या में आए हुए भागलपुर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें आपने सभी के प्रणाम करे छे। आपने सबके आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये कर्णराज की भूमि है, भाइयों बहनों, मेरी एनडीए की ये चौथी रैली हो रही है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, और आज भागलपुर ने सारे विक्रम तोड़ दिए। न सिर्फ एनडीए की रैलियों के विक्रम तोड़े हैं, बिहार में गत कई वर्षों की जो रैलियां हुई हैं, उन सारे रैलियों के रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। जो पॉलिटिकल पंडित है वे भली भांति हवा का रुख पहचान लेंगे। जनता जनार्दन का मिजाज क्या है ये लोग पहचान लेंगे। भाइयों बहनों, मैं साफ देख रहा हूं 25 साल के बाद पहली बार बिहार की जनता जनार्दन विधानसभा में विकास के लिए वोट करने का संकल्प कर चुकी है और विकास के लिए सरकार बनाने का निर्णय कर लिया है। भाइयों बहनों, अब इस विजय यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है। कितने ही दल इकट्ठे हो जाए, कितने ही नेता इकट्ठे हो जाए, कितने ही भ्रम फैलाए जाए, कितने ही झूठ चलाए जाए, कितने ही धोखे दिए जाए, लेकिन अब बिहार की जनता विकासशील बिहार बनाने के लिए एक प्रगतिशील बिहार बनाने के लिए, रोजगार देने वाला बिहार बनाने के लिए, किसानों का कल्याण करने वाले बिहार बनाने के लिए, माताओं बहनों की रक्षा करने वाला बिहार बनाने के लिए ये बिहार के लोग वोट करने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, भाइयों
ये चुनाव विधानसभा का है कि नहीं है, ये चुनाव बिहार की सरकार चुनने के लिए है कि नहीं है, यहां से चुन करके जो विधायक जाएगा वो बिहार की सरकार बनाएगा कि नहीं बनाएगा, जो बिहार में सरकार बनेगी वो बिहार का भला करने के लिए बनानी है कि नहीं बनानी, मुझे बताइए भाइयों बहनों। अगर चुनाव बिहार विधानसभा का है, 25 साल से जिन लोगों ने बिहार में राज किया है उन लोगों ने अपने 25 साल के काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या काम किया वो बताना चाहिए कि नहीं, कैसे किया वो भी बताना चाहिए कि नहीं, जनता जनार्दन को अपने काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं 5 साल के बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा मैं फिर से आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा, और जब 2019 में आऊंगा तो दिल्ली में मेरी सरकार ने क्या काम किया है पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जो सरकार में बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वे 25 साल में सरकार में रहने के अपने काम का उन्होंने हिसाब देना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा ये अपना हिसाब तो दे ही नहीं रहे हैं, 25 साल में क्या काम किया, बिहार का क्या हाल किया, विकास क्यों नहीं आया, रास्ते क्यों नहीं बने, बिजली क्यों नहीं मिली, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। और जवाब मोदी का मांग रहे हैं। मुझे बताइए भाइयों बहनों, मेरे से जवाब लोकसभा के चुनाव में मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, मुझे लोकसभा के चुनाव में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं जनता जनार्दन का सेवक हूं, मेरा दायित्व बनता है जब लोकसभा का चुनाव आए मुझे आपको हिसाब देना चाहिए, और मेरे काम के आधार पर आपसे वोट मांगने चाहिए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, ये सरकार में बैठे लोग अपने काम का और अपने कारनामों का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करता हूं कि जो सरकार में बैठे हैं वो अगर आपसे वोट मांगने आए आप उनको सवाल कीजिए कि आपने वादा किया था कि 2015 में अगर मैं बिजली न दूं तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, ये कहा था, ये कहा था, बताइए मेरे भाइयों बहनों, कहा था? उन्होंने बिजली देने का वादा किया था, बिजली आई, बिजली मिली, वो आए कि नहीं आए, वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा, आपसे एक वादा खिलाफी की कि नहीं की। अरे जो आज आपसे वादा खिलाफी करते हैं तो आगे तो पता नहीं, न जाने क्या क्या करेंगे, और इसलिए इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इनका 25 साल का हिसाब चाहिए, बिहार के नौजवान को
आज से 25 साल पहले जिसका जन्म हुआ होगा वो आज 25 साल का हो गया है और वो पूछ रहा है कि मुझे यहां से कलकत्ता जाना हो पढ़ने के लिए क्यों जाना पड़े, दिल्ली क्यों जाना पड़े। वो पूछ रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए मुझे बिहार छोड़ने के लिए मजबूर क्यों होना पड़े। ये सवाल आपके सामने खड़े हैं लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी दो दिन पहले पटना में गांधी मैदान में एक तिलांजलि सभा हुई, तिलांजलि सभा। उस सभा में राम मनोहर लोहिया जी को तिलांजलि दी गई। उस सभा में जय प्रकाश नारायण जी को तिलांजलि दे दी गई। उस सभा में कर्पूरी ठाकुर को तिलांजलि दे गई। भैया राम मनोहर लोहिया और उनके सारे चेले चपाटे जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, देश को बचाने के लिए जेलों में भी सत्याग्रह करके पहुंचते रहे, लेकिन उन्हीं के चेले सत्ता स्वार्थ के लिए, सत्ता की भूख के लिए राम मनोहर लोहिया जी को छोड़ करके परसों गांधी मैदान में उन लोगों के साथ बैठे थे जिनका राम मनोहर लोहिया जी ने जीवन भर विरोध किया था। ये कौन से सिद्धांत हैं आपके, ये कौन सी आपकी नीतियां हैं? भाइयों बहनों, जय प्रकाश नारायण जी ने जिस गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का बिगल बजाया था, जय प्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी थी और कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने जय प्रकाश नारायण जी को जेल में बंद कर दिया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया था। और जय प्रकाश जी को जेल में क्या किया गया, ऐसी हालत कर दी गई कि वो बीमार हो गए और फिर कभी जय प्रकाश जी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ और हमें जय प्रकाश जी को खोना पड़ा। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूं, जो लोग जय प्रकाश जी की उंगली पकड़ करके राजनीति के पाठशाला में आए थे और अब तक जय प्रकाश जी के गीत गाके गाके अपनी राजनीति करते रहे थे, उन्होंने परसों जय प्रकाश नारायण को भी तिलांजलि दे दी और उन लोगों के साथ बैठे, उन लोगों के साथ बैठे जिन्होंने जय प्रकाश नारायण जी को जेल के अंदर बंद करके उनके स्वास्थ्य के साथ गंभीर प्रकार की समस्याएं पैदा हुई थी। और इसलिए मैं कहता हूं ये परसों की सभा एक प्रकार से, ये परसों की उनकी रैली, ये राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, इन महापुरुषों को तिलांजलि देने की रैली थी जिन्होंने जय प्रकाश की तिलांजलि की, जिन्होंने राम मनोहर लोहिया जी की तिलांजलि की,
जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर की तिलांजलि की, उनकी तिलांजलि आप करोगे? करोगे? पक्का करोगे? चुनाव में बटन दबा करके अब इनकी तिलांजलि करने का समय वक्त आ गया है। और इसलिए भाइयों बहन, मैं सोच रहा था कि गांधी मैदान में एक से बढ़कर एक सारे लोग बैठे थे। किस चीज में बढ़कर के थे वो तो व्याख्या आप करना, मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक से एक बढ़कर के एक थे और मुझे लगता था कि बिहार में उनकी चुनाव की इतनी महत्वपूर्ण रैली है, वे जरूर बिहार के भविष्य के विषय में बताएंगे, बिहार के नौजवानों के भविष्य के विषय में बताएंगे, बिहार से गुंडा राज की मुक्ति के लिए बताएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, न सिर्फ बिहार निराश हो गया, पूरा हिंदुस्तान निराश हो गया कि उस सभा में बिहार कैसा बने, बिहार को आगे कैसे ले जाया जाए, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं हुई, कोई योजना नहीं बनी। मतदाताओं ने वोट क्यों देना चाहिए, इसके लिए कोई मुद्दे पेश नहीं किए गए। भाइयों बहनों, किया क्या गया? सबका एक ही कार्यक्रम था, मोदी 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 मोदी। मैं सोच रहा था कि एनडीए की सभाओं में या विदेशों में नौजवान तो मोदी मोदी करते हैं, लेकिन मैं हैरान था ये भी मोदी 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 कर रहे थे। भाइयों बहनों, चुनाव बिहार विधानसभा का है, चुनाव में 25 साल जिन्होंने राज किया उनको हिसाब देना था, लेकिन वे उन 25 साल के अपने कारनामों का हिसाब देने को तैयार नहीं है, अपने कारोबार का हिसाब देने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात की खुशी है और मैं चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में ये मेरी खुशी बरकरार रहे। मेरी खुशी इस बात की है कि जब मैंने गया में 1,25,000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित किया, आराम है 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया और 40,000 करोड़ रुपये जो आगे से काम की योजना बनी है उसके भी आगे बढ़ाने का निर्णय किया। कुल मिलाकर के बिहार को दिल्ली सरकार के खजाने से 1,65,000 करोड़ रुपये का पैकेज हमने घोषित किया। 2-3 दिन तो हमारे पैकेज की मजाक उड़ाते रहे, बाल की खाल उधेड़ते रहे, लेकिन बिहार की जनता के गले उतार नहीं पाए। उनको लगा कि मोदी ने जो 1,65,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया है उसके खिलाफ बोलने से तो बिहार की जनता हमारा मुंह भी नहीं देखेगी। 3-4 दिन तो चलाया, बयानबाजी की, झूठी बातें फैलाई, लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, भांति भांति के आंकड़े बोल दिए, लेकिन
बिहार की जनता शायद हिंदुस्तान में सबसे तेज बुद्धिमान लोग कहीं है तो बिहार की धरती पर है, और वो ये खेल समझ गए, और इसलिए उनको लगा कि अब कुछ और करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जिन मुद्दों पर मुझे गालियां दे रहे थे, खुद को भी 2,70,00,00,000 रुपये का पैकेज लेकर के आना पड़ा। आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, मजबूर आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा, अब मोदी को कैसे पहुंचे इसलिए करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। मुझे खुशी इस बात की है कि बिहार में विकास ये चुनाव का मुद्दा बनना चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है, चाहे यूपीए के लोग हो चाहे एनडीए के लोग हो, दोनों अपनी अपनी तरफ से बिहार का भला कैसे करेंगे वो मुद्दे लेकर के आए। चुनाव में यही आवश्यक होता है, और मुझे खुशी है कि मुझे 25 साल तक जिन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया, संप्रदायता का जहर फैलाया, उन लोगों को मजबूरन पैकेज लेकर के आना पड़ा है। भाइयों, मुझे बताओ भाइयों बहनों, इससे बिहार का लाभ होगा कि नहीं होगा? मोदी पैकेज लाए तो भी लाभ होगा कि नहीं होगा? बिहार की सरकार पैकेज लाए तो भी लाभ होगा कि नहीं होगा? अब चुनाव सही दिशा में आया कि नहीं आया? विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? नौजवान को रोजगार देने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? गुंडा राज को खत्म करने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? रास्ते बनाने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? स्कूल खोलने के लिए चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? उनको मजबूरन विकास के रास्ते पर आना पड़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो चाहता हूं दिल्ली सरकार और राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि राज्यों के बीच विकास की स्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अभी भी जनता से धोखा करने का कुछ लोगों का स्वभाव नहीं जाता है। जनता की आंख में धूल झोंकने की कुछ लोगों की आदत नहीं जाती है। मैं जरा आंकड़े बताना चाहता हूं, बताऊं भाइयों? आप घर घर मेरी बात पहुंचाओगे, हर किसी को समझाओगे? मैं आपको बताता हूं, आज बिहार में हर वर्ष विकास का जो बजट होता है वो 50-55 हजार रुपया करोड़ होता है। 50-55 हजार करोड़ एक साल का होता है। मुझे बताइए 5 साल का टोटल कितना होगा? 5 साल का टोटल कितना होगा? 2.5 लाख करोड़ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अगर 55 हजार है तो 2,70,000 करोड़ के पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो वार्षिक बजट है, जो ऑलरेडी अभी चल रहा है, पिछले साल भी था, उसके आगे वाले साल भी था, उसी का 5 गुना करके आपने बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकने का पाप किया है, पाप किया। अब मैं दूसरी बात बताता हूं, चौंक जाओगे आप चौंक जाओगे मेरे भाइयों बहनों। भारत सरकार और राज्यों के बीच धन का आवंटन कैसे हो, उसके लिए एक फाइनेंस कमीशन होता है।
और वो फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को कितना पैसा देगी उसका फैसला करते हैं। 14वां जो फाइनेंस कमीशन है, 14th फाइनेंस कमीशन, उसने जो कहा है उसके हिसाब से बिहार को 5 साल में भारत सरकार की तिजोरी से 3,76,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। कितना जरा बोलिए, कितना? 3,76,000 करोड़, करीब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपया दिल्ली से 5 साल में मिलने वाला है। और ये वो मेरा 1,65,000 करोड़ का जो पैकेज है उससे अलग है। वो 1,65,000 करोड़ का पैकेज अलग, 4.25 लाख करोड़ फाइनेंस कमीशन से आने वाले हैं बिहार की तिजोरी में। अब मुझे बताओ भैया, जरा ध्यान से सुनिए, जरा मुझे समझाइए, दिल्ली सरकार के खजाने से 3,74,000 करोड़ तो वहां से आने वाला है और आप पैकेज दे रहे हो 2,70,000 करोड़ का। मतलब कि आपका अपना तो कुछ नहीं, बिहार की जनता से जो टैक्स आता है उसका कुछ नहीं, दिल्ली से जो आएगा 3,74,000 करोड़ उसमें से भी कितना? 2,70,000 करोड़। जरा पूछना चाहिए कि 1,06,000 करोड़ कहां जाएगा? बताओ जरा, 1,06,000 करोड़ कहां जाएगा? भाइयों बहनों, जरा पूछना पड़ेगा कि भारत सरकार का 3,74,000 करोड़ आने वाला है, आप 2,70,000 करोड़ कह रहे हो, तो 1,06,000 करोड़ क्या चारे के लिए लगाया जाएगा क्या? क्या ये चारे की खातावाही में डाला जाएगा क्या? मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये बिहार के साथ धोखा है कि नहीं है? ये बिहार की आंख में धूल झोंकी गई कि नहीं झोंकी गई? ये बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास है कि नहीं है? लेकिन सत्ता के नशे में चकचूर लोग समझ लें, आप बिहार के बुद्धिमान लोगों को कभी मूर्ख नहीं बना पाओगे। भाइयों बहनों, मुझे आज एक बात ये भी कहनी है, क्योंकि मैं चाहता हूं विकास के मुद्दे पर चर्चा हो देश में और विकास के आधार पर मैं आज स्वास्थ्य को लेकर के बिहार का क्या हाल है, हेल्थ सेक्टर को लेकर के बिहार का क्या हाल है उसका खाका आपके सामने रखना चाहता हूं। गरीब से गरीब लोगों को बीमारी में मदद मिले उसके लिए सीएचसी होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। हम जानते हैं कि हर वर्ष हर राज्य ये सीएचसी सेंटर बढ़ाने का प्रयास करती है ताकि गरीबों को बीमारी में दवाई मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, मदद मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, जरा बिहार का चित्र देखिए। हमारे देश में 3,300 सीएचसी बढ़कर के 5,300 हुई है। देश में करीब 2,000 सीएचसी बढ़े,
राजस्थान में पहले 326 सीएससी सेंटर थे, वो 567 हो गए, करीब करीब 200 से ज्यादा बढ़ गए। मध्य प्रदेश में 229 थे, वो बढ़कर के 334 हो गए। छत्तीसगढ़ में 116 थे, बढ़कर के 157 हो गए। लेकिन आपको ये जान करके धक्का लगेगा, गरीब बीमार हो उसको मदद करने के लिए सीएससी सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। हिंदुस्तान के गरीब से गरीब राज्यों ने भी उसकी संख्या बढ़ाई, लेकिन बिहार में 2005 में 101 सेंटर थे, 2014 आते आते वे 101 से 102, 105, 110 नहीं हुए, 70 हो गए। मेरे भाइयों 70 हो गए। बताइए ये गरीबों की सेवा है क्या? ये गरीबों की बीमारी की चिंता करते हैं क्या? भाइयों बहनों इतना ही नहीं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने आरोग्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये बिहार सरकार को जो पैसे दिए थे उसमें से 521 करोड़ रुपया वे खर्च नहीं कर पाए, पड़े रहे। मुझे बताइए पैसे हो उसके बावजूद भी काम ना हो, ऐसी सरकार को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ऐसी सरकार को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हमेशा के लिए हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? गरीब को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बीमार को डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों हमें ये टोना मारा जा रहा है कि मोदी जी को 14 महीने के बाद बिहार की याद आई। भाइयों बहनों जिनको सच बोलने की आदत नहीं है उनके लिए मुझे ये बात बतानी जरूरी नहीं लगती है, लेकिन मुझे बिहार की जनता को मेरे काम का हिसाब देना चाहिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। हमें बिहार की याद नहीं आई? भाइयों बहनों जब नेपाल में भूकंप आया और मुझे लगा कि ये भूकंप का असर बिहार में भी हुआ होगा, मैं पहला व्यक्ति था जिसने बिहार के मुख्यमंत्री को फोन किया कि भूकंप की स्थिति में आपकी क्या स्थिति है। उन्होंने कहा मोदी जी मैं तो दिल्ली में हूं, मुझे अभी तो कोई जानकारी नहीं है। मैंने बिहार के हर जिले में फोन किया, एनडीए के हर नेता से फोन किया, सबको दौड़ाया। मैंने कहा ये भूकंप का असर बिहार के भी नेपाल से सटे हुए जिलों में हो सकता है, तुरंत पहुंचिए। इतना ही नहीं मेरी सरकार के मंत्रियों को बिहार के हर जिले में भेजा, जबकि बिहार की सरकार ने क्या किया वो आप जानते हैं। भूकंप के कारण जिनको मुसीबत आई है इनकी चिंता करने का काम सबसे पहले सिर्फ दिल्ली सरकार ने नहीं, प्रधानमंत्री ने खुद ने किया था। मेरे भाइयों बहनों इतना ही नहीं, पिछले वर्ष हमारी सरकार नई नई बनी थी और नेपाल में कोसी नदी के ऊपर एक पहाड़ ढह आया,
नदी बंद हो गई और लगा कि वहां पानी भरता जाएगा और जिस दिन ये पहाड़ जो आया है वो खिसकेगा तो ये पूरा पानी फिर कोशी की ओर बढ़ेगा और ये पूरा इलाका फिर से एक बार तबाह हो जाएगा। दिल्ली सरकार पहली थी, ये प्रधानमंत्री पहला था जिसने सबसे पहले दिल्ली से हमारे एनडीएमसी के कार्यकर्ता मुलाजिमों को जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करते हैं उनको तुरंत भेजा, नदी के किनारे के गांव खाली करवाए, लोग मानने को तैयार नहीं था, समझाया, मैंने बयान दिया, दिल्ली सरकार पे बेसमझाया, दिल्ली सरकार को नेपाल सरकार को समझाने के लिए दिल्ली से अफसर भेजे और वो पानी तुरंत निकल जाए, जो पहाड़ गिरा है वो हट जाए और कोशी के गांवों की बर्बादी को बचा लिया जाए। और आज मैं नतमस्तक होकर के कहता हूं ये समय से पहले जागने के कारण, बिहार के प्रति प्रेम होने के कारण हमने कोशी इलाके को डूबने से दोबारा बचा लिया था मेरे भाई। इतना ही नहीं, ये हमारे माजी जी मुख्यमंत्री थे और गांधी मैदान में भगदड़ हो गई, कुछ लोग मारे गए, मैं पहला व्यक्ति था जिसने तुरंत बिहार के मुख्यमंत्री जी को फोन किया था और तब वो हमारे साथ नहीं थे, तुरंत फोन किया था, मैंने कहा कि हादसा कैसा हुआ है, मुझे क्या मदद करनी चाहिए, मुझे तुरंत बता दीजिए, मैं आपको मदद पहुंचाता हूं। भाइयों बहनों, बिहार को जो भूले ही नहीं है तो याद आने का सवाल कहां से उठता है। याद तो उनको आती है जो भूल जाते हैं, सत्ता के नशे में खो जाते हैं, सिर्फ कुर्सी याद रहती है, उनको बिहार की कभी याद नहीं आती है। भाइयों बहनों, इनको बिहार की कितनी चिंता है, हमें कहते हैं बिहार की याद नहीं आती है। हमने बजट में बिहार को आर्थिक पैकेज, इनकम टैक्स में रियायत की घोषणा की थी ताकि ये स्पेशल अरेंजमेंट के तहत बिहार के अंदर उद्योग लगे, आर्थिक विकास हो, बिहार के नौजवान को रोजगार मिले, बजट में घोषित किया था। और बिहार सरकार की जिम्मेवारी थी कि वो अपने राज्य में कौन से बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उसकी सूची बना करके दिल्ली सरकार को दे। मार्च महीने में बजट आया, मई महीने तक बिहार सरकार ने कोई जिलों का नाम हमें नहीं दिया। देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? दिल्ली से योजना बनी है तो फायदा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आपको जो स्पेशल अरेंजमेंट हुआ है उसका लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये बिहार सरकार सोई पड़ी थी, नहीं किया। आखिर में मई महीने में दिल्ली से मेरी सरकार ने चिट्ठी लिखी कि भाई बजट में हमने प्रावधान किया है, बिहार के बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को हमें फायदा देना है, उद्योग लगाने के लिए इनकम टैक्स में मदद करनी है, आप नाम तो दो, आपको जानकर के दुख होगा। मई महीने में चिट्ठी लिखी, लेकिन 21 जिलों का नाम देते देते अगस्त का आखिरी दिन आ गया। अगस्त के आखिरी सप्ताह में उन्होंने जिलों के नाम दिए। मुझे बताइए, बिहार के लिए तुम मांग कर रहे हो, जो देते हैं उसका तो उपयोग तक नहीं कर पाते हो, कैसे बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आज बिहार
विकास की ऊंचाइयों पर जाने की ताकत वाला बिहार, तेजस्वी नौजवानों से भरा हुआ बिहार, महान ऐतिहासिक परंपराओं से संस्कारित हुआ बिहार, आज देश आपसे कुछ मांग रहा है। देश मांग रहा है मेरे भाइयों बहनों, सारे देश को लगता है कि बिहार एक बार आगे निकल गया तो हिंदुस्तान दुनिया में आगे निकल जाएगा। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे एनडीए के साथियों को इस चुनाव में भारी बहुमत से विजयी बनाइए, विकास के लिए वोट दीजिए, बिहार का भाग्य बदलने के लिए वोट दीजिए, और आप जैसा चाहते हो वैसा बिहार बनाने के लिए वोट दीजिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज पूरे बिहार में गूंजनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग भाइयों धीरे धीरे करके अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे, और मैंने पहले भी दो लाइन सुनाया था, आज भी सुना रहा हूँ। नफरत के नाम पर ना, नफरत के नाम पर ना, बगावत के नाम पर, नफरत के नाम पर ना, बगावत के नाम पर, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर, हम वोट मांगते हैं मोहब्बत के नाम पर। भारत माता की, भारत माता की, भारत।